हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करें कि डार्क सर्कल जो होते हैं, डार्क सर्कल को कैसे हाइड करें। हाउ टू हाइड डार्क वाइप्स की हेल्प से मैं पूरे फेस को क्लीन करूंगी, बिकॉज कि मैं यहाँ फेस वॉश नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे वॉशरूम में जाना पड़ेगा, बाथरूम में। आप लोग देख सकते हैं ये क्लीन है। और उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। डार्क स्पॉट, पिंपल्स, इन सब कुछ छुपा देते हैं कलर करेक्टर। और मेकअप बेस बहुत ही अच्छे होते हैं, लगाने के बाद बहुत ही क्लियर फेस हो जाता है। मैंने मॉइस्चराइजर यूज कर लिया है। उसके बाद हम प्राइमर यूज, पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। और कुछ देर हम इसे सेट होने देंगे। ऑरेंज करेक्टर वो डार्क स्पॉट के लिए, जो मेरे डार्क स्पॉट आप लोगों को आई होप दिख रहे हो, तो उनके लिए। आप अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी, बट मैं अपनी फिंगर से ही करूंगी। मुझे फिंगर से करना इजी लगता है। और हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं, अब चाहे तो ये ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप उसके बाद ग्रीन करेक्टर जो है वो जो जहां आपको पिंपल्स वगैरह या रेडनेस उसके लिए, बट मेरे फेस में पिंपल्स नहीं हुए हैं तो मैं यूज नहीं करूंगी। और ये है कंसीलर, इसके ऊपर यूज करने के लिए। तो इसका कंसीलर बहुत ही हार्ड है। तो उसके बाद हम पाउडर की हेल्प से इसे हम सेट करेंगे। ये है पाउडर, ताकि ये क्रीज ना हो। जहाँ जहाँ मैंने लगाया उसे सेट करेंगे। उसके बाद हम कंसीलर यूज करेंगे। ये डार्लिंग इसाबेला का कंसीलर है, सेट नंबर 03। आपको आई होप दिख रहा हो। तो मैंने जहाँ जहाँ कलर करेक्टर यूज किया था, वहाँ वहाँ कंसीलर हम यूज करेंगे।
और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। डैप डैप की आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर से मैं पाउडर यूज करूँगी। और आप देख सकते हैं मेरा डार्क सर्कल आपको जरा सा भी दिख रहा है? बिल्कुल मुझे तो नहीं दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम अपने डार्क सर्कल को छिपा सकते हैं। ओके बाय।